हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है ग्रेट न्यूज के एपिसोड नंबर 2 में। और गाइस अपन इस सीरीज के अंदर एमसीयू के अपडेट्स देते हैं। तो चलो, तो यार सबसे पहले अपडेट निकल कर आई है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। इस मूवी का हमें एक नया ट्रेलर देखने को मिलेगा अभी नेक्स्ट वेडनेसडे को, यानी 26 अक्टूबर को। उसके बाद गाइस नेक्स्ट न्यूज है कि हैरिसन फोर्ड एक्टर जो है वो यार एमसीयू के अंदर जनरल रॉस का रोल प्ले करने वाले हैं इन अ फ्यूचर कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और थंडरबोल्ट्स में। बिकॉज ऑफ यार इसके जो पहले वाले एक्टर थे उनकी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए अभी यार उनके एक्टर को रिप्लेस किया जा रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज अभी बहुत सारी जो सीरीज बनाने वाला था अपकमिंग 2025-2026 में, उन लोगों को अब वो स्पेशल प्रेजेंटेशन में डेवलप कर रहा है। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है जिसमें ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है वो लोगों को अब यार वो स्पेशल प्रेजेंटेशन बना दे रहा है। जैसे कि यार से बोलो जरा वकांडा की कोई स्पिन ऑफ आएगी, इसी तरीके से वंडरमैन की और नोवा की भी और बहुत सारी ऐसी स्पेशल प्रेजेंटेशन आएगी ऐसा बताया जा रहा है। बिकॉज ऑफ यार लोगों के यार स्पेशल प्रेजेंटेशन ज्यादा पसंद आ रही है। इसके साथ साथ कहा था कॉमन ऑफ क्योस भी एक स्पेशल प्रेजेंटेशन ही है, इसलिए यार मार्वल भी बहुत सारी ऐसी स्पेशल प्रेजेंटेशन बना रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए मार्वल बहुत सारे सरप्राइज कैमियोज डेवलप कर रहा है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि यार भाई हम सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर इसमें सरप्राइज कैमियोज होंगे, कुछ सरप्राइज एक्टर्स रोल प्ले करेंगे उन कैमियोज का जो दूसरे यूनिवर्स से होंगे, जिनमें यार 6 कैमियोज का नाम निकल कर आता है। जो कन्फर्म बोला जा रहा है वो है RDJ का आयरन मैन, गाइस बहुत बड़ी बात है। उसके बाद गाइस क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका, टॉबी मैगवार का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, यू जैकमैन के वुल्वरीन और जेम्स मैकअवॉय का यंग चार्ल्स एक्सेवियर। जी हाँ गाइस, ये कैमियोज हमें देखने को मिलेंगे इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स ऐसा बोला जा रहा है, और ये सब दूसरे यूनिवर्स के होंगे। बट तब भी यार अभी आप इन सबको कन्फर्म मत मानो, बट RDJ आयरन मैन का कन्फर्म है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट न्यूज है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की भाई अभी फरवरी 2023 से फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट न्यूज निकल कर आई है ब्लेड से कि यार ब्लेड की स्टोरी कुछ इस तरीके की होगी कि यार ब्लेड अब तक 100 साल से जिंदा है अर्थ के अंदर, और उसके साथ साथ गाइस उसकी एक बेटी भी है। यार माशाल्लाह अली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मूवी के लिए। यार उसके साथ साथ गाइस केविन फाइगी का कहना है अभी कि हमें पता भी नहीं, यानी हमें अंदाजा भी नहीं है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में चल रहे हैं इन मार्वल, यानी मार्वल स्टूडियोज बहुत अमेजिंग भाई प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है, तो इसीलिए यार मैं फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए तो और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद गाइस अब ब्लेड की फिल्मिंग का भाई स्टार्ट टाइम चेंज कर दिया गया है, अब उसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी 2023 से। अभी वो 2022 के अक्टूबर से ही होने वाली थी, बट अब वो डिले हो गई है। उसके साथ साथ गाइस बोला जा रहा है ऐसा हो सकता है कि एको की सीरीज को मार्वल डिले कर दे। जी हाँ गाइस ऐसा बोला जा रहा है, कन्फर्म कुछ भी नहीं है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट न्यूज़ है कि जैकब बैटलॉन जो नेट का रोल प्ले करते हैं उनका कहना है कि यार वो चाहते हैं कि वो एक विलन का रोल प्ले करें ऑन स्क्रीन आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज में, बट तब भी उनका कहना ही कुछ भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद गाइस बोला जा रहा है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 कंफर्म हो चुकी है कि वो रिलीज होगी जुलाई 12 2024 को। उसके बाद गाइस मार्वल ज़ॉम्बीज़ की जो सीरीज आएगी वो बोला जा रहा है कि सिर्फ 4 एपिसोड की होगी। उसके बाद गाइस डैनियल आरपीके का कहना है कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन डेडपूल 3 के अंदर अपना आइकॉनिक येलो सूट पहनने वाला है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट न्यूज़ है कि यार एक यंग वर्जन की मॉर्गन स्टार्क हमें देखने को मिलेगी इन अ फ्यूचर आयरन मैन वाले सूट में, और उसका एक अच्छा खासा रोल होने वाला है। उसके बाद गाइस लोकी सीजन 2 की गाइस शूटिंग एंड हो चुकी है। फिर गाइस बोला जा रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में और साथ साथ यार ऐसे दिखाया जाएगा कि किंग पिन का मेयर फिस्क वाली स्टोरी लाइन चलेगी। उसके बाद गाइस जैक एफ्रन का कहना है कि मार्वल ने उनसे बात की है वुल्वरीन के रोल के लिए। उसके बाद गाइस आज की लास्ट न्यूज है कि शास्ता बैरन कोहेन भाई एज अ मेफिस्टो दिखने को हमें मिलेंगे आयरन हार्ट की सीरीज में। जी हाँ गाइस ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल ने उनसे बात की है कि वो प्ले करें भाई मेफिस्टो का रोल इन आयरन हार्ट सीरीज। यार ये बहुत अमेजिंग बात है, तो जब आप बताओ इसकी न्यूज़ आपको कैसी लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन और पर सेट कर दो। मैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।